अब इंडियंस का सीन कुछ ऐसा है कि जब भी सस्ती चीज का नाम आता है तो हम लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। अभी रिसेंटली एक स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई थी, इसका नाम है डीजो वॉच 2, और इस वॉच को लेके कमेंट सेक्शन भाई पूरा भर रखा था कि इसको रिव्यू करो। तो ये वॉच फाइनली आ चुकी है और मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी कि इतने कम प्राइस में इतने तगड़े स्पेक्स कैसे दे रही है। तो जानेंगे वीडियो में आगे कितनी ये तगड़ी वॉच है और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस वॉच के बारे में। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सको। तो फटाफट से बॉक्स में डाले हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलती है डीजो की ब्रांडिंग वगैरह, साइड में से कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। अंदर कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मैनुअल मिलती है और एक चार्जिंग केबल आपको मिल जाता है जो कि पोगो पिन वाली है। बाकी बात कर लेते हैं मेन डिवाइस के बारे में, तो लुक एंड फील के मामले में बहुत ही तगड़ी स्मार्ट वॉच लगी मुझे यार। बहुत ही सिमेट्री आपको बहुत प्रॉपर देखने को मिलती है और 2.5D कर्व्ड ग्लास जो है कहीं ना कहीं फिनिश और भी प्रॉपर बनाती है। साइड में जो बॉडी आप देख रहे हैं वो जिंक एलॉय यहाँ पे इन्होंने यूज करा हुआ है और स्ट्रैप जो है आपको सिलिकॉन का देखने को मिलते हैं। बट दोनों की जो क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम आपको देखने को मिलती है। एक चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा सा वॉच का वेट मुझे ज्यादा लगा, 52.9 ग्राम का इस वॉच का वेट है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हैवी है, बट फिनिश बहुत टॉप नॉच आपको देखने को मिलती है। और मेरे पास ये जो है गोल्डन कलर में है, मुझे पर्सनली बहुत सही लगी है। बाकी अगर बात करें इसके सबसे बड़े हाईलाइट को लेके, तो भाई यहाँ पे 1.69 इंच का डिस्प्ले है, TFT LCD डिस्प्ले इन्होंने यूज किया है। इसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा कमजोर मुझे यहाँ पे लगा, बट जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, मतलब 600 निट्स की ब्राइटनेस है। और स्पेशली स्मार्ट वॉच में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उनकी ब्राइटनेस कम होती है, बट यहाँ पे इन्होंने ये चीज करी कि ब्राइटनेस अच्छी खासी बढ़ दो ताकि अगर आप आउटडोर में भी देखोगे तो आपको काफी हद तक जो चीजें सारी विजिबल हो जाती हैं। बाकी कोई नॉर्मल वेक केस्चर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है जिसको आप ऑन भी कर सकते हो, अगर आपको नीड नहीं है तो आप ऑफ भी कर सकते हो। अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पे 260 mAh की बैटरी लगा रखी है और इनका कहना है कि अप टू 10 डेज ऑफ प्ले परफॉर्मेंस आपको वॉच में से मिल जाता है। और मेरे पास अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, 7 दिन तक तो आप इजीली इस वॉच से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसको नॉर्मल यूजेज पे यूज कर रहे हैं तो। अगर हेवी है मतलब फुल ब्राइटनेस सारे फीचर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो कहना है थोड़ा सा जो है बैटरी आपको कम देखने को मिल सकती है। बाकी अगर बात करें इसमें वाटर रेटिंग को लेकर, तो ये वॉच 580 वाटर रेजिस्टेंट है, 50 मीटर तक पानी के अंदर आप इसको ले जा सकते हैं आधे घंटे तक के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वॉच काफी अच्छे तरीके से वर्क करती है, तो अगर आप स्विमर है डेफिनेटली आप इस वॉच को खरीद सकते हैं, स्विमिंग के टाइम पे आराम से इस वॉच को पहन के जा सकते हैं। बाकी अगर सेंसर की बात करें तो यहाँ पे सारे एसेंशियल सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। पहला एक्सेलेरोमीटर सेंसर जो आपकी सारी मोशन एक्टिविटी यहाँ पे ट्रैक करेगा, दूसरा HR सेंसर और तीसरा डेडिकेटेड SPO2 सेंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी बात करी जाए इस डिवाइस की UI एंड परफॉर्मेंस को लेके, तो इस डिवाइस में जो UI है वो आपको सेम टू सेम रियलमी वाली देखने को मिलती है। अब ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये रियलमी का ही सब ब्रांड है तो वो आपको चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी स्मूथ UI अगर टॉप से स्वाइप अप करते हैं आप इस डिवाइस को, तो आपको यहाँ पर जो है इसका नोटिफिकेशन वाला पैनल देखने को मिलता है जहाँ पे आप नोटिफिकेशन वगैरह जो है रीड कर सकते हैं और डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, रिप्लाई वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं इसको अगर आप लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है ब्राइटनेस कंट्रोल, आपका D&D मोड, आपकी जो यहाँ पे टॉर्च वाला ऑप्शन है, सेटिंग वाला ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर वहीं नीचे स्वाइप अप करेंगे आप तो यहाँ पे आपको जो इसके फीचर्स हैं उनका एक्सेस आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शन जो इसमें अवेलेबल है उनको आप देख पाएंगे। वहीं राइट स्वाइप करेंगे तो आपकी जो ट्रैकिंग यानी कि स्टेप्स कितने आप चले हैं, कितना आप सोए हैं, कितना आपका HR रीडिंग्स है, वेदर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक कंट्रोल वाला फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो UI काफी स्मूथ है और प्राइसिंग के हिसाब से मुझे काफी अच्छी लगी। अगर बात करें इसकी फीचर्स को लेकर तो काफी पावर पैक आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं प्राइसिंग के हिसाब से। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेप्स यानी कि जो आपका पेडोमीटर है वो आपको देखने को मिलता है, कितने स्टेप्स यहाँ पे चल रहे हैं। उसकी एक्यूरेसी की बात करूँ तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि अगर आप हैंड शेक कर रहे हैं तो भी ये रीडिंग्स ले लेता है, तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न लगा। दूसरा यहाँ पे बात करूँ HR रीडिंग्स को लेकर, तो वो काफी एक्यूरेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसका जो परफॉर्मेंस है मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि काफी सेम टू सेम, यानी कि 2-3 पॉइंटर्स का डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। SPO2 सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी, यहाँ पे बहुत एक्यूरेसी आपको इस डिवाइस में देखने को नहीं मिलती है। डेडिकेटेड सेंसर जरूर प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, इवन इसमें अपडेट भी आ चुका है, बट वो जो प्रॉब्लम है वो अभी भी परसिस्टेंट है, यानी कि एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। और पर्सनली मैं ये रिकमेंड करता हूँ, देखो अगर आप SPO2 जैसी चीज या BP जैसी चीज अगर आप चेक करते हैं स्मार्ट वॉच में तो उतना रिलाय मत कीजिए। आप यहाँ पे मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट दे रखे हैं, आप उन्हीं का यहाँ पे पर्सनली यूज करें क्योंकि वहाँ पे रीडिंग्स आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। बाकी स्लिप ट्रैकिंग की बात करो तो वो प्रॉपर अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, प्रॉपरली आपकी जितनी भी मॉनिटरिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ब्रीदिंग वाला आपको फीचर देखने को मिल जाता है अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, जो कि मेरे हिसाब से करते रहना चाहिए वो चीज़, तो यहाँ पे वो फीचर आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर बात करें यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड को लेकर तो 15 स्पोर्ट्स मोड आपको जो है वॉच में देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट एक्सेस आप उनको कर सकते हैं। GPS यहाँ पर है नहीं, यानी कि फोन आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा अगर आपको सारी ट्रैकिंग वगैरह देखना है कि आपने कहाँ पे मूव किया है,
तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रैकिंग देखने को मिल जाएगी, अपने कितनी कैलोरीज बर्न करी है, कितनी स्पीड में आप चलें, वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बाकी बात करें तो वही आपको बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका अलार्म क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, टाइमर वगैरह है, वो सभी चीज़ें आपको मिल जाती है। वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छी है और इवन आपको फर्दर आगे आने वाले दिनों की भी इन्फॉर्मेशन दे देता है। म्यूजिक कंट्रोल और कैमरा कंट्रोल भी मिल जाता है। म्यूजिक कंट्रोल की बात करूँ तो जिमिंग वगैरह के टाइम पर आपको रिक्वायर्ड रहता है और प्रॉपरली आप वॉच के थ्रू इसको कंट्रोल कर पाएंगे। कैमरा कंट्रोल की बात करूँ उसके लिए आपको ऐप पे जाना पड़ेगा और ऐप से जाके ऑन करने के बाद जो है कैमरा वाला फीचर आपको ऑन हो जाता है और आपके वॉच पे अपीयर हो जाएगा बटन और जैसे आप उसको टच करेंगे तो फोटोज वगैरह यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। बाकी वही फाइंड माय फोन वाला फीचर मिल जाता है अगर आपकी जो वॉच कनेक्टेड है और रेंज में अगर आपका फोन है तो यहाँ वॉच से आप टच करेंगे तो आप उसको इजीली जो है ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे जो बीपिंग साउंड है वो प्रोड्यूस करने लगता है। अब इंपॉर्टेंटली कॉल अलर्ट नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात कर लूँ मैं तो कॉल अलर्ट्स आपको मिल जाते हैं, किसका कॉल आ रहा है मालूम पड़ जाएगा आपको, बट यहाँ पर आप पिक नहीं कर सकते, सिर्फ डिनाय का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। वहीं नोटिफिकेशन की बात करो तो आप उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अब अगर ऐप की बात करो तो यहाँ पे डीजो का ऑफिशियल ऐप है। आप अगर ऐप पे जाते हैं तो आपके यहाँ पे फ्रंट पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, आपके स्टेप्स काउंटिंग, आपके एक्सरसाइज, आपके हार्ट रेट, एस्पिरेटरी रीडिंग सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक्सरसाइज वाले सेक्शन में जाते हैं तो आपके यहाँ पे जो भी डाटा रिकॉर्ड हुआ है आपने वर्कआउट मोड परफॉर्म में किया है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिवाइस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको अलार्म सेट करने का फाइंड डिवाइस वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। डायल गैलरी जो है यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 100+ स्मार्ट वॉच फेसेस आपको देखने को मिलते हैं। इवन इसमें जो है माय डायल वाला सेक्शन है जहाँ पे आपने अपने पर्सनल डायल यहाँ पे डाउनलोड कर रखे उनका एक्सेस मिल जाता है और कस्टमाइज अगर आपको यहाँ पे वॉच फेसेस लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे तो काफी अच्छी बात है। बाकी कॉल रिमाइंडर्स, नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स वगैरह आप ऑन कर सकते हैं, सिलेंडर रिमाइंडर्स भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं और ड्रिंकिंग रिमाइंडर वगैरह आपको ऑन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हेल्थ मॉनिटर वाले फीचर को भी आप ऑन कर सकते हैं जो कि बेसिकली आपका 24x7 एचआर रीडिंग्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली लेता है। बाकी प्रोफाइल बना सकते हैं जहाँ पे अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, यूनिट वगैरह और टाइम फॉर्मेट वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। इवन इसमें आपको जो है फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग वाला ऑप्शन भी मिल जाता है तो अगर आपने फीमेल ऑप्ट कर रखा है तो आपको उसका एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। फाइनली अगर डिवाइस को कंक्लूड करूँ तो प्राइसिंग के हिसाब से ये वॉच बहुत ज्यादा वर्थ है, यानी कि 2000 रुपए के प्राइस पॉइंट में पैसा वसूल चीज है, यानी कि जो फीचर्स वगैरह दे रखे हैं आप ज्यादा एक्सपेक्ट यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। और अगर आपको ये वॉच चेकआउट करना है तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं 2000 का प्राइस ब्रैकेट है तो ये वॉच आपके लिए काफी सही रहेगी। बाकी बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर करना, अगर वो 2000 रुपए के आसपास भाई वॉच खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। बाकी फिलहाल के लिए सलाम करते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेट रहिएगा दोनों एक्सपर्ट के साथ।